वीर प्रभु नो निर्वाण कल्याणन। चौथा आराना अंतमा वीर प्रभुए अवर्तमान धर्म तीर्थनी स्थापना करी, जे वहतू वहतू अत्यारे आपड़ा सुधी पहुंचियो। जो प्रभुए आ शासन की स्थापना न करी होत तो आ कलिकाल मा आपने जैन धर्मनो संपर्क थवो मुश्किल नहीं परंतु लगभग अशक्य बनत। आ धर्म अत्यारे पण आचार विचार सिद्धांतो तत्वनी दृष्टिए बेजोड़ छे। आवा धर्मने आपणे जाणी ओळखी अने आराधी शकीए एवी आपणी क्षमता नथी। आथी जो प्रभुए आ शासन स्थाप्युं न होत तो आपणे आवो अजोड़ अनुपम धर्म आराधवा मळ्यो न होत। प्रभुए आ शासन स्थापी अपना माटे धर्म प्राप्ति नो रस्तो खुल्लो करवा रूपे महान उपकार कर्यो। साचो धर्म समझवा माटे नी तक सामग्री अने आराधनाना आलंबनो आप्या अने आपड़ा उपर महान उपकार कर्यो। वड़ी तीर्थंकरो मातानी कुक्षी मा आवे त्यारथी तेमनी हरेक पळ साधना रूपे होय छे। तेमनी साधना एटली अजोड़ होय छे कि तेनी तोले बीजो कोई साधक न आवे। साधना करीने पामवा जेवु पामे छे। सर्व साधनानो श्रेष्ठ अंतिम फल तेमना आत्मा माटे पण निर्वाण सिवाय बीजू कई नथी। आजना आ पवित्र दिवसे वीर प्रभुनो आत्मा सर्व साधनाना श्रेष्ठ फल रूपे श्रेष्ठ कल्याण एवा निर्वाण ने पाम्यो, जे तेमना आत्मा माटे महामंगलकारी पड़ो हती। परंतु प्रभु मोक्षी गया, सदेहे तेमनो विरह थयो ते आपणा माटे महाशोकनु कारण छे। आजे जो प्रभु पृथ्वी तल उपर हयात हो तो जगतना जीवो पर घणो उपकार था। जगतमाथी अज्ञान अधर्म असत्यनो नाश था। सत्य जड़ हड़ी उठत, लायक जीवोना हृदय में तत्वनी स्थापना था। विरोधियों गुपचुप पीछे हट करी बेसी जा। आवी स्थिति उत्कृष्ट प्रभावक तीर्थंकरों की हाजरी मात्र थी था। परंतु आजे तेमना निर्वाण ना कारणे जगत ने जबरदस्त मोटी खोट पड़ी छे। एमा पण जैन धर्मना अनुयायी तरीके आपणे सौथी वधारे खोट पड़ी। तेमना विरहना कारणे आपणे घणो घणो गुमावानुं आव्युं। आपणा जीवनमां घणी पोड़प त्रुटिओ आवी। आजना दिवसे आपणे आ वातनो शोक थवो जोईए। प्रभुने तो निर्वाण कल्याणकथी कंई पण गुमावानुं आव्यो नथी। तेमना आत्माने तो मेळवा जेवुं बधुं ज मळी गयुं। तेमने तो पूर्णतानी प्राप्ति थई ज छे। आथी निर्वाणनो शोक तेमना माटे नहीं परंतु आपणा माटे करवानो छे। आजना दिवसे बे वस्तु करवा जेवी छे। ए तेमना अनन्य उपकारने याद करवो, ऋण स्वीकार करवो, अने बीजो तेमना विरह वियोगथी आपणे घणुं गुमाव्युं ते याद करी प्रशस्त शोक करवानो छे। तेमना विरहमां अंदरथी झूरवानो छे। आजना दिवसे आ बे भाव आपणा मनमां आववा जोईए। ए रीते आ पर्वनी उजवणी करवा जेवी छे कि ते उजवणी करीने जन्मांतरमां फरी तीर्थंकरो मळे, तीर्थंकरनुं शासन मळे। आ भावमां शासन मळ्यानो आनंद व्यक्त करवाथी अने जे गयुं जेनो वियोग थयो एनो शोक करवाथी एवुं पुण्य बंधाशे कि जन्मांतरमां जल्दी जिन शासन मळे। लाभ खाटी जवा माटे आ बहु मोटी तक छे। आजे भाव विभोर थई उत्कट अने उत्तम भाव थी प्रभुना उपकारनी अनन्य स्मृति करशो अने तेमना वियोगनो प्रशस्त शोक करशो तो जन्मांतरमां क्यां पण हशो आ शासन अवश्य मळशे। फरी फरी बहु झड़पथी शासन पामी संसार सागर पार पामी आत्माना सर्व दोषो दुखो बंधनोथी मुक्त थई तीर्थंकरोनी जेम आत्मानो पूर्ण सुख
परम तृप्ति रूप परम आनंदमय सिद्ध अवस्थाने पामशो। निर्वाणनी अत्यंत अभिलाषा साथे शुभ भाव थी आ पर्वनी आराधना करी उत्तम फल पामो एवी शुभ मंगल कामना।